देखिए, पहले मैंने आपसे ये बात कही है कि किसी भी एग्जाम्पल को समझने से पहले आपने उस एग्जाम्पल की डिटेल समझनी होती है कि वो एग्जाम्पल चाह क्या रही है। तो फर्स्ट करें, मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको कि सपोज करें कि हमें दो पॉइंट गिवन है। चूंकि दो पॉइंट मौजूद हैं तो मैं वही पॉइंट ले लेता हूँ जो मेरी एग्जाम्पल में है। ये दो पॉइंट हमें गिवन है, 1 5 एंड 3 9, 1 5 एंड 3 9। सपोज करें ये एक पॉइंट है जो कि 1.5 है और एक दूसरा पॉइंट है जो कि 3.9 है। एग्जाम्पल में जो मैं चीजें कंसिडर कर रहा हूँ वो कम इसलिए कर रहा हूँ, हमारा जो टारगेट है इस सवाल में वो सुन ले क्या है। हमें ऐसी लाइन बनानी है जो इन दोनों पॉइंट से गुजरे। हमें एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी और जेनेटिक एल्गोरिथम से सॉल्व करने का कहा है, और हमसे ये कहा है कि हमें एक ऐसी लाइन बनानी है जो कि दोनों इन पॉइंट से पास होती हो। तो देखें, अगेन चूंकि प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है तो मैं ही बता रहा हूँ कि देखें, प्रॉब्लम की डोमेन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है जो कि मैं रेड मार्कर से बना रहा हूं। हमें नहीं पता ये लाइन, लेकिन हमें ये ड्रॉ करनी है। और हमें ये दो पॉइंट गिवेन है। अब लाइन तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें इस लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन होनी चाहिए। तो हमें पता है कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पहले तो हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं, फिर हम इस पर जेनेटिक एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो किसी भी लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब है अगर मुझे ये एम पता चल जाए और मुझे ये सी पता चल जाए तो लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी। अगर मुझे एम पता चल जाए स्लोप, और सी मतलब सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। आप लोग उसे क्या समझते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन बेसिकली सी का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट। तो सी ये है जो वाई एक्सिस पे आप कहाँ कट कर रहे हैं। सी क्या है, ये लाइन वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगी, और एम क्या है, स्लोप। चूंकि दो पॉइंट है तो दो पॉइंट का स्लोप निकालना कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इसको जेनेटिक एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अब हमें ये समझ में आता है कि हमें अगर एम और सी पता चल जाए तो इस लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी। अगर हमें एम और सी पता चल जाए तो इस लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, एम या सी, एम और सी। इसका मतलब है जो इस क्वेश्चन में हमें मालूम करना है वो क्या करना है, एम और सी। ये बात समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन में जो हमें मालूम करना है, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो गया एम और सी, एम और सी का ऐसा पेयर जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर सके। मैं अभी प्रॉब्लम समझ रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि फर्ज करें कि हम सपोज कर लेते हैं कि कुछ एम और कुछ सी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास जगह की भी कमी है तो मैं सिर्फ दो एम और सी के पेयर सपोज करूंगा। मैंने कहा एक एम में सपोज कर रहा हूं 2, और इसके बाद सी सपोज कर रहा हूं 7, और एक एम में सपोज कर रहा हूं 1, और उसके साथ सी सपोज कर रहा हूं 3। अगेन जेनेटिक एल्गोरिथम की पहली अजम्पशन क्या होती है बेटा, पहली अजम्पशन ये होती है कि आपने पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करना है। पहले मैंने अपनी प्रॉब्लम समझी, और प्रॉब्लम समझने के बाद मैंने क्या किया, पॉपुलेशन को इनिशियलाइज कर दिया। मुझे ये समझ में आया कि मुझे ये दो पॉइंट गिवेन है ग्रीन वाले, ये दो पॉइंट मुझे गिवेन है 0.1.5, मतलब एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू क्या है 5, और एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू क्या है 9। ये मुझे दो पॉइंट गिवन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एक ऐसी लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि दोनों इन पॉइंट से गुजरती हो। तो चूंकि मैं प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा हूँ, तो अगर ये मैथ्स की प्रॉब्लम है तो मेरी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। अगर ये कोई और लॉजिकल प्रॉब्लम होती तो पहले मुझे वो समझना पड़ता, फिर मैं जेनेटिक एल्गोरिथम पे आता। तो पहले मैंने प्रॉब्लम समझी कि भाई लाइन की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर एम और सी पता मुझे चल जाए तो ये मेरा आंसर होगा। तो मैंने सपोजिशन ये की कि एम 2 है और सी क्या है 7 है, एक सपोजिशन ये की कि एम क्या है 1 और सी क्या है 3 है। ये मैंने दो सपोजिशन की। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का टास्क कि इसका फिटनेस फंक्शन क्या होगा। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कि इसका फिटनेस फंक्शन क्या होगा। आर यू गेटिंग मी, कि अब आपने ये पता करना है कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं इसका फिटनेस फंक्शन क्या हो सकता है, मतलब किस ब्याह पे मैं ये कहूं
कि 2.7 बेहतर है या 1.3 बेहतर है। अब अगर मैं इसको थोड़ा ग्राफिकली समझाऊं आपको तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। देखिए फर्ज करें अगर मैं आपसे कहूं कि ये 2.7 है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी सर y इज इक्वल टू 2x+7। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? m की वैल्यू क्या है, हमने सपोज क्या की है, 2 सपोज की है, और c की वैल्यू क्या सपोज की है, 7। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 2x+7। अगर दूसरी लाइन की इक्वेशन मालूम करें जो हमने सपोज की है तो वो हो जाएगी 1x मतलब x+3। इन दोनों लाइन की इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, x+3। पहली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = 2x+7, दूसरी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = x+3। अब अगर मैं आपसे ग्राफिकली कहूं कि इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो कोई ना कोई लाइन होगी, ये 2x+7 किसी ना किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, फर्ज करें वो लाइन ये है। एंड सेम गोज फॉर x+3, फर्ज करें वो लाइन ये है। मैं थोड़ा सा इसको इधर करके लिख रहा हूं, फर्ज करें वो लाइन ये है। एक्चुअल लाइन हमारी क्या है, रेड वन, जो कि हमें नहीं पता। एक्चुअल लाइन क्या है हमारी, रेड वन, जो कि नहीं पता। हमने सपोजिशन की दो लाइंस की, दो लाइन सपोज करने का मतलब है m और c सपोज कर लिए। तो एक लाइन जो सपोज की वो थी 2.7 मतलब 2x+7, m की वैल्यू 2 सपोज की, c की वैल्यू 7, तो इससे लाइन बनी 2x+7। एक लाइन सपोज की 1 m की वैल्यू और c की वैल्यू 3, तो उससे जो लाइन बनी वो बनी y = x+3। मैं आपको ग्राफिकली समझा रहा हूं कि फिटनेस फंक्शन आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं इस प्रॉब्लम का। आपने ये दोनों लाइन यहां पर बना दी। अब अगर मैं आपसे पूछूं दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2, ग्राफिकली आपको कौन सी लाइन ज्यादा बेहतर लग रही है, लाइन 1 या लाइन 2? कैसे पता चला भाई? आपने बोला सर इनका डिस्टेंस कम नजर आ रहा है, यही लॉजिक लगाई होगी, है ना, क्लोज लग रही है आपको देखने में। लेकिन अब अगेन हम हर चीज तो ग्राफिकली ड्रॉ नहीं करेंगे, हम हर चीज तो ग्राफिकली ड्रॉ नहीं करेंगे। इसका मतलब है ये लाइन मुझे ग्राफिकली नहीं दिख रही, मुझे नंबर की फॉर्म में दिख रही है। आर यू गेटिंग मी? ये लाइन जो है मुझे ग्राफिकली नहीं दिख रही, किसकी फॉर्म में दिख रही है, नंबर की फॉर्म में। और नंबर की फॉर्म में कोई कैलकुलेशन होनी चाहिए जिसके बिहाफ पे मुझे पता चले कि भाई कौन सी लाइन ज्यादा बेहतर है, कौन सी लाइन कम बेहतर है। अगर ये 10 लाइंस होती, ये 10 लाइंस होती तो सबकी सब तो ड्रॉ नहीं करता मैं कोई ना कोई मेथड यूज करता। ये बात क्लियर हो रही है? तो एक मेथड कहलाता है हमारा, जो कि सुना हुआ भी होगा कुछ लोगों ने, सम ऑफ स्क्वायर एरर, सम ऑफ स्क्वायर एरर। ये कैसे निकलता है मैं आपको समझाता हूं। देखें आपके पास इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज गिवन है, वो ये दो पॉइंट है कि आपको एक x पॉइंट गिवन है जिसपे y की वैल्यू क्या है 5, ये ग्रीन वाला। एक x पॉइंट गिवन है 3 जिसपे y की वैल्यू क्या है 9। इसका मतलब क्या है, अगर मैं पहले वाली इक्वेशन लिखूं, कौन सी वाली, 2.7, तो मैंने सपोज की है, अगर m 2 है और c 7 है, गौर से सुनिएगा, अगर m 2 है और c क्या है 7, तो x अगर मैं 1 पुट करूं, x अगर मैं 1 पुट करूं तो y क्या आना चाहिए, 5। दोबारा सुन लीजिए, अगर ये लाइन इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, अगर ये लाइन इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब है अगर x 1 पुट करूं तो y क्या आना चाहिए, 5। अगर x 1 पुट करूं तो y क्या आना चाहिए, 5। और अगर x 3 पुट करूं तो y क्या आना चाहिए, 9। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर ये लाइन इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है, इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, तो x की वैल्यू 1 पे y क्या आना चाहिए, 5 जो गिवन है, और x की वैल्यू 3 पे y क्या आना चाहिए, 9 जो कि गिवन है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये मैथ्स की प्रॉब्लम है छोटी सी। अब डेफिनेटली ये हमने सपोज किया है तो ऐसा नहीं होगा, ये हमने सपोज किया ऐसा नहीं होगा, तो कोई ना कोई एरर होगा। ये बात क्लियर हो रही है? वो एरर कैसे निकलेगा, वो एरर निकलेगा ऐसे, आप गौर से देखिएगा। मैं एक के लिए बोर्ड पे समझा रहा हूं, फिर मेरे पास स्लाइड में सब कुछ हुआ है। मैंने लिखा लेट सपोज, लेट x इज इक्वल टू 1, मैं ये वाला x 1 पुट कर रहा हूं इसमें, और y क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2.1+7, y आ गया 9, जबकि y को आना चाहिए था क्या,
फाइव, सही है, आया नाइन, आना क्या चाहिए था फाइव। मैं दोबारा से यही काम करता हूं दूसरे पॉइंट के लिए, थ्री कॉमा नाइन, लेट एक्स इज इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू टू, थ्री प्लस सेवन इज इक्वल टू थर्टीन। वाई आना चाहिए था नाइन लेकिन आया क्या थर्टीन, ये एरर है। इसका मतलब है अगर ग्राफिकली थोड़ा सा ऊपर चले डायग्राम में तो हुआ ये, हुआ कुछ यूं कि आपने x की वैल्यू पुट की ये वाली, मतलब अगर मैं इस डायग्राम को यहां तक चलाऊं, आपने x की वैल्यू पुट की ये वाली, ये देखें x, ये ग्रीन वाले पे मैंने मार्जिन किया है, जैसे मैंने x ये वाला पुट किया इसने मुझे आंसर दे दिया, इसको देना क्या चाहिए था ग्रीन वाला, इसको देना क्या चाहिए था ग्रीन वाला आंसर, लेकिन इसने दिया मुझे नया आंसर। तो इसका मतलब है ये जो है, ये जो मैं रेड मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूँ ये एरर है, ये जो मैं रेड मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या आया एरर। अगर इसको मैं नंबर की फॉर्म में देखूं तो आया नाइन है, ये नाइन आंसर आया है, आना क्या चाहिए था फाइव, आया नाइन है आना क्या चाहिए था फाइव। ये बात क्लियर हो रही है, एक मिनट अभी आप आगे नहीं बढ़े हो इस, आया नाइन, जो मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, इस लाइन की आया क्या नाइन, ये देखिए नाइन आया भाई, लेकिन आना क्या चाहिए था फाइव। ये देखिए मैं लिख देता हूं इधर, ये लिखा हुआ है वन कॉमा फाइव, सॉरी माई बैड, ये लिखा हुआ है वन कॉमा फाइव और ये लिखा हुआ है थ्री कॉमा नाइन। तो मैं समझाता हूं आपको, ये देखिएगा दोबारा गौर से देखिएगा, मैंने x की वैल्यू वन पुट की, ये देखें वन पुट की तो आना क्या चाहिए था फाइव, लेकिन मेरे वन पुट करने पे क्या आ रहा है नाइन। इसका मतलब है ये नाइन मुझे आंसर दे रही है, ये वाली लाइन आना क्या चाहिए था फाइव, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो एरर है। इसी तरीके से जब मैंने पुट किया थ्री, जब मैंने x की वैल्यू थ्री पुट की तो आना क्या चाहिए था नाइन, लेकिन उसने मुझे आंसर क्या दिया थर्टीन दिया। ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब है ये जो डिफरेंस आ रहा है ये एरर है। अगेन जो लोग मशीन लर्निंग में ये प्रोजेक्ट कर चुके हैं उनको अंदाजा भी है कि ये एरर है, एरर को कैलकुलेट करना होता है आपने। मैं आपको समझा रहा हूं, पहले मुझे खत्म करने दीजिएगा। ये देखें मेरा आंसर आया नाइन, आना क्या चाहिए था फाइव, आंसर आया नाइन आना क्या चाहिए था फाइव, प्लस आंसर आया थर्टीन आना क्या चाहिए था नाइन, आंसर आया नाइन आना क्या चाहिए था फाइव, आंसर आया थर्टीन आना क्या चाहिए था नाइन। मैंने इन दोनों एरर्स को आपस में सम कर लिया इनका डिफरेंस और उनका स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर इसलिए किया कि हम ये चाहते हैं कि हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एरर में प्लस माइनस नहीं देखा जाता, एरर में डिफरेंस काउंट होता है। मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूं कि आपकी और मेरी एज में कितना डिफरेंस है। आपने बोला आठ साल, मुझे ये नहीं मालूम करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, मुझे सिर्फ डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ माइनस एट प्लस एट नहीं आएगा, यहाँ आएगा एट। तो जो भी एरर होता है वो विदाउट साइन कंसिडर किया जाता है, और एरर की साइन को अगर नेगेटिव भी आ गई, फर्स्ट के लिए लिखा होता फाइव माइनस नाइन, उसको पॉजिटिव करने के लिए सबसे आसान ट्रिक क्या है कि आप उसको स्क्वायर कर लें, ताकि अगर आपका एरर नेगेटिव भी आ रहा है तो वो क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। क्लियर हो रही है ये बात, अगर आपका एरर नेगेटिव भी आ रहा है तो भी वो क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। तो देखिए मैं इसका एरर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये हो गया फोर का स्क्वायर, ये भी हो गया फोर का स्क्वायर, ये हो गया 32, 16 प्लस 16 क्या हो गया 32। अब नट शेल में इसको कंक्लूड करता हूं, इस पॉइंट को जो मैंने समझाया। इसका मतलब है अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करता हूं, कौन सी वाली 27 जो हमने सपोज की है, तो उसको दोनों पॉइंट पर पुट करके मैंने एरर निकाले। अगर मैं ये वाली लाइन सपोज कर रहा हूं 27 वाली, दिस वन ऊपर वाली, तो उसको मैंने दोनों पॉइंट में सपोज करके एरर निकाला और एरर का डिफरेंस निकाल लिया। इसको मैं कहूंगा फिटनेस फंक्शन। इसका मतलब है अगर यहां पर जीरो आ रहा होता तो इसका मतलब होता मेरी लाइन बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है 32। इसका मतलब है इस लाइन का जो मैंने लाइन यहां लिखी है, कौन सी वाली 27, इसका जो एरर है वो 32 है। इस लाइन का जो एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है 32। अब यही काम जो मैंने अभी ये काम किया है मुझे किस लाइन के लिए करना पड़ेगा, मुझे किस लाइन के लिए करना पड़ेगा, नीचे वाली लाइन के लिए, कौन सी वाली 13 के लिए। यही काम मैं कौन सी वाली लाइन के लिए करूंगा, 13 के लिए। उसका भी मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका भी मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका भी मेरे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा बिल्कुल। उसका 10 आएगा, कैसे आएगा मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं देखें ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं, इतना
और यहां पर मैं अपनी लाइन लिख रहा हूं नीचे वाली, कौन सी वाली, 1 3 1 3। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 3 इज इक्वल टू y। अब अगेन उसमें भी पहले मैं कौन सा x पुट करूंगा, 1, और y निकालूंगा। ये देखें 1.5 के लिए मैंने लेट x इज इक्वल टू 1 y निकाला, तो इस इक्वेशन में अगर x 1 पुट करें तो ये y हो गया 4। और अगर मैं 3.9 वाला पुट करूं, लेट x इज इक्वल टू 3, तो y हो गया 3 + 9 इज इक्वल टू 12। इसका भी एरर निकाल लेते हैं, आया क्या 4, आना क्या चाहिए था 5, आया क्या 12, आना क्या चाहिए था 9। इसका मतलब इसका एरर कैसे निकलेगा, ये देखें इसका एरर कैसे निकलेगा, 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 12 - 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये आंसर आ गया 10। इसका मतलब है लाइन 2 का जो एरर है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। लाइन 2 का एरर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, 1 3 का जो एरर आ रहा है वो आ रहा है 10। ये हमने अभी पॉपुलेशन इनिशियलाइज करने के बाद सिर्फ फिटनेस की कैलकुलेशन की है, अभी कोई क्रॉस ओवर नहीं लगाया, कोई म्यूटेशन नहीं लगाया, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ है जिसमें हमने फिटनेस की कैलकुलेशन की है। फर्स्ट करें, हमारे पास और लाइंस भी होती हैं, हमने सपोजिशन और की भी होती, तो हम उन सबकी फिटनेस ऐसे निकाल। अब हमने जो ये बेटा x प्लस थ्री x की वैल्यू क्या है 3, तो हमने जब यहां पर x की वैल्यू 3 पुट की, 3, अच्छा गलती हो गई, ये 12 नहीं है भाई, ये क्या है, ये 6 होगा, सॉरी ये 6 होगा ये x प्लस 3 है ना, तो ये 3 + 3 = 6 होगा, और यहां पर डिफरेंस आपका वही आएगा जो आ रहा था, डिफरेंस में गलती नहीं है, देखें 6 - 9 वही आंसर आएगा, ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल, लेकिन डिफरेंस वही आएगा, 6 - 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा और वो हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें अगेन डिफरेंस नहीं आया कुछ भी, सिर्फ वो मैंने एक जगह गलती कर दी थी लिखने में। अब ये 2 एरर आ गए, अब देखें मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट। अब आप आ जाएं वापस यहां पर इस जगह पर कि जो 2 आपने सपोज किए थे, वो सपोज किए थे आपने 2 and 7 और 1 और 3। फिटनेस निकाली आपने 32, फिटनेस निकाली आपने 10, सही है। अब हम लोग करते हैं कि भाई इन दोनों में से बेहतर कौन सा लग रहा है आपको, जिसकी फिटनेस कम होनी चाहिए क्योंकि इसमें एरर कम है, तो 10 मुझे बेहतर लग रहा है, सही है। तो अब अगेन जरा गौर से देखिएगा, मैंने 10 को यहां पर लिख दिया 1 और 3, मैंने इसको चूज कर लिया। अब क्रॉसओवर तो लग नहीं सकता, उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये तो सिंगल वैल्यू है, तो मैं इसको म्यूटेशन से सॉल्व कर रहा हूं, और अगेन आई एम फॉलोइंग दीज स्टेप कि जो कि हमें आंसर लेके आ जाए, ताकि आपको ये भी अंदाजा हो जाए कि भाई आंसर आता है। तो मैं इसको लिख रहा हूं बाइनरी में 001 011, म्यूटेशन लगाने के लिए बिट फ्लिप, स्वैप नहीं कर रहा, म्यूटेशन लगा रहा हूं बिट फ्लिप, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ वो स्टेप दिखा रहा हूं जिससे हम आंसर ले आएंगे, बाकी रैंडम काम तो कुछ भी कर लें, मैं भी आपको दिखा रहा हूं कि आंसर आ जाएगा। तो 001 बिट फ्लिप लगा रहा हूं, बिट फ्लिप लगा रहा हूं इस बिट पे, अगेन ये भी मैंने रैंडम चूज किया, मैं इस बिट को फ्लिप कर रहा हूं, जब मैं इस बिट को फ्लिप करूंगा तो ये क्या बन जाएगी, बिट फ्लिप लगा रहा हूं बेटा, बिट फ्लिप, किसी भी एक बिट को फ्लिप कर रहा हूं, कौन सी बिट चूज की है, सेकंड वाली, ठीक है। तो जब मैं इस बिट को फ्लिप करूंगा तो ये क्या बन जाएगी, 0 1 0 1 1, देखें देखें 0 अपनी जगह पर है, इस 0 को मैं फ्लिप कर रहा हूं 1, ये 1 अपनी जगह पर है, ये 0 1 1, तो ये नंबर दोबारा से मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो ये नंबर बन जाएगा बेटा 3 3, क्या बन जाएगा 3 3, सही है। ये नंबर फ्लिप होके क्या बन जाएगा 3 3, ये मैंने लगाई बिट फ्लिप, अगेन कह रहा हूं यहां पर आप बिट फ्लिप लगाते, स्वैप लगाते, कुछ और लगाते, वो मसला नहीं था, मैं बिट फ्लिप इसलिए लगा रहा हूं कि फॉलोइंग दीज स्टेप मैं अपनी स्लाइड्स को फॉलो कर रहा हूं ताकि आपको आंसर आ जाए, ये बात क्लियर हो गई, हाँ आपकी मर्जी, अभी फिलहाल मैंने एक बिट फ्लिप किया, ठीक है, ये 3 3 बन गया। अब इसकी इक्वेशन क्या बन गई, 3x + 3, ये पूरा स्लाइड में मौजूद है, 3x + 3, सही है, इसकी इक्वेशन क्या बन गई, 3x + 3,
फ्लिप में किसी भी बिट को फ्लिप कर देते हैं अगर बाइनरी में नंबर्स हो तो। सही है, मैं मिटा दूं इसे। अब ये देखिएगा, जैसे ही मैंने फ्लिप की तो ये बन गई 3-3, ये बन गई 3-3। अब 3-3 पे दोबारा से आप फिटनेस फंक्शन निकालेंगे। 1-3 की फिटनेस में पहले निकाल चुका था, क्या आई थी 10। 1-3 की फिटनेस में पहले निकाल चुका था, 10 आई थी। 3-3 की फिटनेस जब मैं निकालूंगा तो देखें, मैं जरा जल्दी से ये काम करता हूँ क्योंकि हमें आइडिया तो हो गया है। 3-3 की फिटनेस जब निकलेगी तो इक्वेशन बनेगी हमारी, इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 3 सही है इज इक्वल टू वाई। पहले वन पुट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 3 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 3 6 सही है। 1 पे 6 आया, आना क्या चाहिए था 5। फिर पुट किया x इज इक्वल टू 3, फिर पुट किया x इज इक्वल टू 3, फिर पुट किया x इज इक्वल टू 3 और आया क्या 3 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। और जब इसका एरर निकाला, देखे ना ये आया 6, आना क्या चाहिए था 5, आया 12, आना क्या चाहिए था 9। जब मैं इसका एरर निकालूंगा बेटा तो देखें, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9 का स्क्वायर, ये एरर भी इत्तफाक से 10 आ गया। ये एरर भी क्या आ गया, इत्तफाक से 10 आ गया। मैं इसको यहां लिख देता हूं, सही है। अगेन सर्वाइवर सिलेक्शन, अब सर्वाइवर सिलेक्शन में दोनों होगा टाई, सही है ना। तो हम क्या करेंगे, अगेन सर्वाइवर सिलेक्शन में दोनों होगा टाई, तो हम क्या करेंगे बेटा, किसको चूज करेंगे, एज बेस, ठीक है ना। तो एज बेस के हिसाब से ये पुराना इसको निकाल देंगे और ये नया इसको शामिल कर लेंगे। आर यू गेटिंग मी, ये पुराना इसको निकाल देंगे और ये नया इसको शामिल कर देंगे, सही है। मैं दोबारा से मिटा रहा हूं। अब ये देखिएगा, जैसे ही मैं यहां पहुंचा, मैंने कहा एज बेस, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिख रहा हूं। अब मैं लिख देता हूं 3-3 और 3-3 को मैं लिख रहा हूं बाइनरी में, सही है। तो जब बाइनरी में लिखूंगा तो वो वही 0 1 1 0 1 1, सही है। अगेन बिट फ्लिप, तो बिट फ्लिप में मैं इस बिट को फ्लिप कर रहा हूं, पहले इसको की थी अब मैं इसको फ्लिप कर रहा हूं। तो जब मैं इसको फ्लिप करूंगा तो ये नंबर क्या बन जाएगा, मेरा नंबर बन जाएगा 0 1 0 0 1 0 0 1 1, तो ये बन गया 2 3। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगेन मैं रैंडम बिट को स्वैप कर रहा हूं, तो मैंने इसको सॉरी फ्लिप कर रहा हूं, तो मैंने 1 को 0 कर दिया, ये बन गया 2 3। अब अगेन मुझे क्या करना होगा बेटा, दोबारा से इसकी फिटनेस निकालनी होगी, ये आखिरी स्टेप है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन गई मेरी, मेरी इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, सही है। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, यहां तक क्लियर है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब मैं दोबारा से देखें, अब तो आंसर आ ही गया, लेट x इज इक्वल टू 1, ये 1 सपोज किया तो इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू 2 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और लेट x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2 3 प्लस 3, तो ये बन गई 9। अब अगर मैं इसका एरर निकालूं, अगर मैं इसका एरर निकालूं तो 5 आ रहा है, आना भी चाहिए था 5, तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सही है ना। तो फॉलोइंग दीज स्टेप हमें आंसर मिल गया, सही है ये? By using these step हमें आंसर मिल गया। अगेन इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा आंसर मिले, हमने तो वही स्टेप किए, वही बिट फ्लिप की जिससे मुझे पता था कि आंसर आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में आप रेंडमाइजेशन की तरफ जाते हैं, आप कभी कोई चीज कर लें, कभी कोई चीज कर लें, आपने ट्राई करते रहना है जब तक आपको आपका आंसर नहीं मिल जाता। फर्ज करें कि हम फंस गए, हमें आंसर नहीं मिला, आंसर नहीं मिला, आंसर खराब हो जा रहा है, तो हम दोबारा से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो इनिशियल पॉपुलेशन हमने सपोज की थी 2713, इसको चेंज कर लेंगे, ये नहीं करना चाह रहे चेंज, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने बिट फ्लिप लगाया था
बिट फिलिप को किसी और से चेंज कर ले, मतलब आप तमाम चीजों को ट्राई करते रहे। सबसे पहली चीज क्या होती है कि अगर आपको लगता है आपकी पॉपुलेशन सही है तो आप जो क्रॉस ओवर या म्यूटेशन लगा रहे हैं उसको चेंज कर लें। अगर वो भी मसला हो रहा है तो पॉपुलेशन को चेंज कर लें। आपके पास ना इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। क्लियर हो गई बात? एज बेस वाले में जो नया था उसको डाला है ना सिस्टम में, देखो थ्री, देखो ये थ्री थ्री से टू थ्री बनाया, थ्री थ्री से टू थ्री बनाया, वन थ्री से नहीं बनाया, थ्री थ्री से टू थ्री बनाया और फिर टू थ्री को सॉल्व किया। थ्री थ्री वाला तो करके खत्म कर दिया मैंने जी। और कोई सवाल? ये एक एग्जाम्पल है, सही है? वही तो किया है ये रहा, ये क्या है टू एक्स प्लस थ्री, ये टू थ्री था तो एम एक्स प्लस सी में टू और थ्री जी। एनीवन और कोई क्वेश्चन है?